नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने। आरती साड़ी और श्री बालाजी फैशन, अब मुझे याद रहता है ये कहना। तो उससे पहले मैं भी अपनी वीडियो को शेयर कर देता हूँ, और आप भी प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन हो जाएं, बेटर रहता है, फिर बताने में समझाने में सब चीजों में आसानी रहती है। आइटम्स में आज भी कई, मतलब इस तरह से जो नया बनाया वो भी लेके आया हूँ, उसके अलावा कुछ इस तरह के आइटम जो सिंगल सिंगल पीस है, काफी कुछ दिखाने के लिए लाया हूँ, काफी कुछ बताना है, और बस यही सब चीज चल रही है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेलो नेहा जी, हेलो बीना जी, हेलो आई केडी केडी आई, हेलो हेलो अनीता जी, हेलो नेहा जी, तहमीना जी, रुखसार जी, हेलो सबको। वीडियो क्लीन नहीं है आपका, इसका मतलब आगे से वो साफ नहीं है। साफ है, क्लीन है मेरे में। वो कह रही है तो यार इसका मतलब जरा सा एक सेकंड, यदि वीडियो क्लीन नहीं है आप इसको पकड़िए। देखिए मैंने, हाँ दिखा रहा हूँ मैं, अब जो ब्लाउज रेडी है इसमें तो ब्लाउज रेडी है नेहा जी, जो आपको पसंद आ जाए ना वो हमेशा अच्छा, जो पसंद ना आए वो बेकार। ये एक्चुअल में ये होता है, सैकड़ों साड़ी हजारों साड़ी बनाते हैं, जिसको जो पसंद आ जाए वो उसके लिए अच्छा, और जो पसंद ना आए वो बेकार। हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पसंद नहीं आती, लेकिन जिस कस्टमर को सामने हम देख रहे हैं उनको पसंद आ रही है, बेकार ही है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है कि हमें पता है कि बहुत बढ़िया पीस है। मैं हूंगा तो मैं पर्सनली बोलूंगा, लेकिन कस्टमर को नहीं समझ आ रहा। तो ऐसा कुछ ये हमेशा क्यों होता है, हर एक की सोच अलग अलग होती है, थॉट अलग अलग होती है, तो आप सबको मैच नहीं करता है। मान लो मैं ही जैसे कपड़े लेने जाता हूँ, मेरी चॉइस बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत सारे लोग वो समझ ही नहीं आते, बहुत सारे लोग जो लेके जा रहे होते बार बार के नहीं समझ आता। तो ये सबकी अलग अलग होती है, पसंद जो आपको आ जाए वो बढ़िया। एक ये देखिए वही डिजाइन है, उसी में पैटर्न में क्या होता है कि हम बहुत सारे डिजाइन बनाते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, रेट का डिफरेंस ज्यादा आता है, हम बल्क में बनाते हैं। बल्क में मेन पर्पस अब समझिए हमारा फंडा क्या है, मैन्युफैक्चरर है, मेन हमारा फंडा होता है होलसेलर्स को, जो होलसेल बल्क में क्वांटिटी देते हैं। बल्क में क्वांटिटी कैसे देते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे कि ये है, ये साड़ी बन के आई, मेरे पास कितने पीस बन के आए हैं, अब इसे भी ये देखते रहो कि मेरे पास तो बल्क में बन के आते हैं, तो मैं तो ये देखिए ये इस तरीके से बन के आया हुआ, ये हम इस तरीके से इनके ब्लाउज बन के आते हैं। ये ब्लाउज के संग अटैच होनी है सारी साड़ियां बन के आई, और ये सब तैयार कर करके ये ऐसे ये बेचते रहते हैं होलसेलर्स को, ये बेचते रहेंगे। अब ये मेरे बल्क से ये अब ये ऐसे ही तैयार होके ये रख देंगे साड़ियां, ये रही साड़ियां, ये रही साड़ियां, सब तैयार होके इस तरीके से रखते रहते हैं। हटा लेना भैया इनको यहाँ से, बल्क है, होलसेलर से रिटेल शॉपकीपर्स चलते हैं, उससे रिटेल भी चल जाता है। रिटेल से मैं होलसेल में नहीं तैयारी जीत सकता, फंडा समझिए, हर एक जना क्या देता है, रिटेल से होलसेल नहीं जीत सकता। एक दिन मेरा मन है कि हम गोडाउन पे बनाते हैं वीडियो, लेकिन वहां पे थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा क्योंकि लाइट नहीं है प्रॉपर, वहां पे लाइट नहीं है, माल ऐसे जगह जगह पड़ा हुआ, आप देख के कहोगे कि नहीं ये कहाँ पे ले आए, कहाँ पे ले आए, सारे थान पड़े हुए, लंब पड़े हुए। हमारा किचन है वो ये बात भैया ने बिल्कुल सही कही, वो हमारा किचन हो गया, लेकिन किचन घर का किचन के सबसे मत समझिए, ये समझिए कि किसी रेस्टोरेंट में गए तो वो भी एक होता है, वहां पे तो बस पड़ा हुआ सब कुछ, दे 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 थान के थान पड़े हुए हैं, लाइट प्रॉपर आपके हिसाब से नहीं है,
हम लोगों के लिए काफी होती है। तो वहाँ पे बना होता है, वहाँ पे इस तरीके से बनाते हैं, वहाँ पे सारे थान कट करके जाते हैं, फिर वो छोटी छोटी फैक्ट्री में बनते हैं सारे के सारे, इस तरीके से बनाते हैं। हम रिटेल से होलसेल में नहीं जा सकते, होलसेल से रिटेल चला सकते हैं, वही होता है। तो ये देखिए डिजाइन कैसा लगा आप मुझे बताइएगा जरूर। इस बीच में इनको एक दो पीस दे दो, कोई से भी दिया हुआ, हम आपको कुछ और दिखाते हैं भाई। आज पहले की तरह नहीं, क्रॉप टॉप इसके बाद दिखाऊंगा, क्रॉप टॉप इसके बाद, पहले एक दो ये साड़ी दिखाता हूँ मिक्स वाली, फिर वो दिखाऊंगा, क्रॉप टॉप दिखाऊंगा, फिर लहंगे भी दिखाऊंगा, कुछ सूट्स भी लेके आया हूँ जो मेरे पास सिंगल सिंगल पीसेस है। हमेशा की तरह जैसे मैंने वो किया, फर्स्ट फाइव को एक ये ब्लाउज में लेगा, जो फर्स्ट फाइव पेमेंट करेंगे, पेमेंट पे लेंगे, फर्स्ट फाइव होंगे। कई बार तो क्या होता है, कल जैसे एक कस्टमर का हुआ, उन्होंने मेरे ख्याल से दो तीन घंटे बाद पेमेंट करी, जब तक वो फर्स्ट फाइव मेरे पूरे हो जाते, कई तो जब तक वीडियो खत्म हो रही थी उससे पहले ही पेमेंट कर चुके होते हैं। मैंने कहा ये पीस हमारा बुक है और इसकी पेमेंट कर दी, तो मैं कैसे करूं, तो ऐसे भी हो जाता है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए, जल्द से जल्द अपने पीस बुक करते रहिए। सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ जो मेरे पास सिंगल पीस है, एक ये पीस है, बहुत महंगा पीस था, अब छोड़िए कितने का था क्या था वो छोड़िए, पहले पास से दिखा दो ना, पहले मैं पास से आपको इसका बॉर्डर दिखाता हूँ। ये देखिए बॉर्डर देखिए, और इसमें पूरे में स्टोन वर्क का काम है, सिंगल सिंगल पीस है ना भैया इसमें, हाँ सिंगल पीस है, एक ही पीस। अब इस तरह के आइटम बहुत बनाते हैं, बनाते थे, मतलब इसमें डिजाइनिंग डिपेंड करता है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। ये रहा पूरा जॉर्जेट के ऊपर सिंगल पीस इंक्लूडिंग जीएसटी 650 रुपए, 650 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी सिंगल लास्ट पीस है। ये देखिए पूरे स्कर्ट में काम, और कोरियर चार्जेस हमेशा की तरह अलग से रहेंगे, 100 रुपए कोरियर में ये मैं भेज दूंगा, क्योंकि पैसे ज्यादा लगते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसके वो बना हुआ तो सिंगल पीस है। ये दिखाइए, अब ये भी है सिंगल पीस है, इसके दो कलर है, लास्ट दो पीस रह गए, प्लेन है, इसमें कुछ भी नहीं है, चारों तरफ ये बॉर्डर लगा हुआ स्टोन रखा, हम ये बॉर्डर बनाते थे। ये देखिए हमें तो इस तरह के पीस बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया बनाते, जैसे मैंने आपको पिंक वाले पीस दिखाए, कई हजार पीस बेचने हैं इसके, एक दो पीस नहीं बेचूंगा, कई हजार पीस बेचूंगा तब इसको पीस को छोड़ूंगा, या होलसेलर ही मना कर दे। इसमें दो कलर आएंगे, एक ये और एक ये ऑरेंज, ये भी 650 रुपए, 650 रुपीज, 650 रुपए में ये डिजाइन है, कटवर्क बॉर्डर के संग है, इसमें जो इसका बॉर्डर है काफी हैवी बॉर्डर है, बहुत महंगा बॉर्डर था। इसमें भी दो पीस बचे हैं 650 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी, कोरियर से मंगवाते हैं तो 100 रुपए एक्स्ट्रा। एक डिजाइन और दिखा रहा हूँ, इस बीच में मैम पहन के आती है और फिर मैं आपको वो दिखाऊंगा। ये देखिए ये देखिए, इसमें ये पूरे में जर्कन लगी हुई, जर्कन की चेन, जर्कन की शीट, इस तरीके से चारों तरफ ये, और पैनल में ये नेट चलेगी जॉर्जेट के ऊपर बनाया हुआ। ये भी 650 रुपए में आपको ये पीस मिलता है, इसमें दो कलर आएंगे, एक ये और ये दूसरा भी देखा, ब्लाउज प्लेन आएगा इस तरीके से, 650 रुपीज, दो पीस है, लास्ट दो पीस है, ये भी 650 रुपए। बस इसके बाद वो ले आइए भैया, मेन जो हम बनाते हैं जो दिखाते हैं अपनी, नया भी तो दिखाना है, ये तो एक भी दो दो पीस होते हैं, बीच में दिखा देते हैं क्रिसमस को। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू आयुष। ये देखिए मेन ये डिजाइनिंग है जो हम बना रहे हैं, नया डिजाइन बनाया क्रॉप टॉप में, मैं पास में लाके आपको क्लोजअप दे रहा हूँ, जॉर्जेट के ऊपर बनाया है, क्योंकि कई कस्टमर्स ने कहा जॉर्जेट के ऊपर कोई डिजाइन नहीं, फॉक्स जॉर्जेट पे। ये इसका दुपट्टा हो गया, पहले अपने पास से क्लोजअप देख लिया, फिर मैं दूर से दिखाता हूँ तो पता चले। ये नीचे इस तरीके से लेस लगा हुई, नीचे मोती है पोत के संग में, ये पकड़िए जरा, अब ये इसके संग हमने ये दुपट्टा इसका इस्तेमाल किया, ठीक है, ये इसकी ये हो गई, ये अभी दिखा रहा हूँ कि क्या है, ये स्लीव्स के लिए फैब्रिक है जो नीचे लटका हुआ है, ये इस तरीके से, और यहाँ पे प्लेटें दी हुई है,
फुल साइज में बना हुआ, इसका दूसरा पीस लेके आइए और वहां से इंची टेप दीजिए भैया। मेरा पीस कैसा लग रहा है जो सारी है फॉक्स जॉर्ज, फॉक्स जॉर्ज पे ये जो नया पीस बनाया वो बता रहा हूँ। इंची टेप भैया इंची टेप मुझे ये देखिए, जब तक वो खोल रहे हैं जब तक मैं आपको बता दूं, ये तो दुपट्टा हो गया इसका फॉक्स जॉर्जेट, अच्छी फाइन क्वालिटी की जॉर्जेट को बता रहा हूं मैं। कल से वो वाला दूसरा जॉर्जेट वो वाला कर रहे हैं। अंदर मार्जिन है दोनों साइड, दो दो इंच का मार्जिन है, चार इंच यानी, लेकिन हम उसे जो है चार इंच इधर हो गया, चार इंच उधर हो गया, आठ इंच हो गया, लेकिन हम आठ इंच नहीं गिनेंगे, हम छह इंच गिनेंगे। तो 44 तक ये मैक्सिमम ओपन हो सकता है। मैक्सिमम कहाँ तक होगा? 44 तक होगा। 44 एक मिनट बता रहा हूँ भैया, सब कुछ बताऊंगा, प्राइस भी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको दिखा दूं कि क्या है। ये इसकी स्लीव्स के लिए फैब्रिक दिया हुआ है, स्लीव्स का फैब्रिक दिया हुआ है, ठीक है। और अब इसका मैं ये दिखा दूं, ये लीजिए, ये पकड़ो, ये इसका स्कर्ट हो गया, ठीक है। फुल हेड पे बनी होती है, हाइट की एडजस्टमेंट आप वहां से टेलर से करवा के देंगे, कस्टमर को जो रीसेलर्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, वो करवा के देंगे। जो पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं, और मेरे मैं उनको भी जो पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं, मैं उनको भी मतलब अपने ये मान के चलूं कि रीसेलर है, आज नहीं कल चार महीने में, छह महीने में, दो महीने में, साल भर में वो भी रीसेल करना शुरू करेंगे। मेरे सारे कस्टमर्स रीसेल करना शुरू करेंगे, घर बैठे यदि कुछ इनकम जनरेट हो रही है तो क्या दिक्कत है। अजी अब तो अजी, तो ये है 2400 रुपीज, 2400 रुपए का केवल, इंक्लूडिंग जीएसटी 2400 रुपए। कोरियर चार्जेस इसमें मैं नहीं समझता, कम से कम 200 रुपए लगेंगे। तो कोरियर से मंगवाते हैं तो 2600 रुपए, और वैसे मंगवाते हैं शॉप पे आके लेते हैं तो 2400 रुपीज। और ये सारे पीस मतलब बहुत जल्दी स्पीडली खत्म होते जा रहे हैं। तो आप सोचेंगे मैं फिर ले लूंगा, बुक कर दूंगा नया डिजाइन, नया डिजाइन हो सकता है आपको समझ आए, हो सकता है पुराना डिजाइन अच्छा लगे, तो मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, डिपेंड करता है हमेशा मेरे होलसेलर्स, जो होलसेलर हैं जो बल्क में बाई करते हैं, एक ही डिजाइन के 15-15, 20-20 पीस लेते हैं, वो मुझसे मांगेंगे तो मैं डिजाइन कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो डिजाइन को स्टॉप कर दूंगा हमेशा। जो भी मेरे पास जो दो चार छह पीस जो भी है वो वहां पे स्टॉप कर देते हैं। पहला लॉट जो ऐसे बनता है 24 पीस का बनता है, 48 पीस का बनता है, डिपेंड करता है, एक अड्डा बनता है, पूरा का पूरा अड्डा बनता है, तो उस तरीके से बनाते हैं। 96 पीस का बनेगा। एक ये फैब्रिक और है, काफी अच्छा फैब्रिक था, इसके ऊपर ये देखिए पूरे में ग्लिटर हुआ हुआ, हमने टेपिंग कर दी नीचे, वैसे ही वही सिंपल वही डिजाइन है, टेपिंग कर दी, और इसको हैंडवर्क ब्लाउज के साथ में, ये पूरा हैंडवर्क के ब्लाउज के साथ में ये दिया इस तरीके से। पीस कैसा लगा आप मुझे बताइएगा जरूर। और इसके टैग का है बहुत अच्छा, फ्रॉम माय साइड 10 out of 10। जीएसटी समेत ये है 1780 रुपए, 1780। तो 1780 रुपए का आज की डेट में पीस है, और इस पीस में 200 रुपए डिस्काउंट, यानी 1580 रुपए, 1580 का आज की डेट में इंक्लूडिंग जीएसटी आपको ये पड़ता है आज के लिए, बाद में नहीं, बाद में तो वो 1780 रुपए का ही है, वो भी ये पीस पर्टिकुलर पेमेंट पे ही जाएगा, उसके अलावा नहीं जाएगा, ठीक है। आप एक्सचेंज करेंगे, मैं इस पीस में अपना और दिखा, और उसी में जो मैंने आपको एक क्रॉप टॉप दिखाया, ये तीसरा कलर, तीन कलर बनाए हैं, ये इसका दुपट्टा, ठीक है, ये लहंगा हो गया। कलर कैसे लग रहे हैं? कलर सारे के सारे हमने बनाए इस तरीके से हैं, वेडिंग के हिसाब से जो आजकल फैशन में है, फॉक्स जॉर्जेट पे सब पार्टी वेयर। कलर का वेरिएशन का बोल दो थोड़ा सा, हो सकता है कलर वेरिएशन भैया कह रहे हैं कैमरे की वजह से थोड़ा सा उन्हें स्क्रीन पे लग रहा है, तो वो थोड़ा सा हो सकता है आपको आ जाए। और अंदर स्लीव्स के लिए जिनके
विदाउट स्लीव्स नहीं चलता, उन सबके लिए हमने स्लीव्स का फैब्रिक दिया हुआ है, तो आप स्लीव्स लगा सकते हैं। अच्छा डिजाइनर 2400 रुपीज में इंक्लूडिंग GST होलसेल प्राइस, बहुत बढ़िया। और जब तो कुछ भी दे दो, हाँ वो दे दीजिए, वो दे दो। मैं आपको पहले एक दो सस्ते लहंगे, जैसे मैं बना रहा था अभी फिलहाल डिमांड में देखो नहीं है, क्योंकि मैं नए डिजाइन बहुत बनाए, जैसे वो बना दिया। अब ये पीस मेरे पास एक पीस रह गया, क्या होता है हमारी 4 मंजिल की शोरूम है, बहुत सारे पीस बन गए, एक पीस रह गया, दबा हुआ रह गया, कुछ हो गया, जिस समय था बहुत महंगा था, आज की रेट में सिंगल पीस मेरे पास बचा हुआ है, तो 800 रुपीज सेल में इंक्लूडिंग GST। ये इसका दुपट्टा हो गया, इसका ब्लाउज का है, और ये इसका ब्लाउज हो गया वेलवेट का, तो होलसेल में है 800 रुपीज, और इसके 100 रुपए कोरियर में, चलो ये 100 रुपए कोरियर में, यदि कोरियर से कोई मंगाता है तो 900 रुपीज, वैसे शॉप पे आके लेते हैं तो 800 रुपीज में ये पीस है। ये मतलब बस ये भी हमें पीस खत्म करने होते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे पीस बनाते रहते हैं, खत्म करते रहते हैं, ये चीज होती है। जैसे ये डिजाइन हो गया, ये मैं अब आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, ये देखिए बनाया था, इसका फ्लेयर भी देखिए कितना बड़ा, पकड़ना चला यहाँ से नीचे से, ये देखिए फ्लेयर भी बहुत अच्छा बड़ा फ्लेयर, लेकिन सिंगल पीस है, लास्ट पीस है, दोबारा ये बनाना नहीं है, खत्म कर दिया, डिजाइन बंद कर दिया। और ये इसका दुपट्टा नेट का प्लेन 800 रुपीज, यदि किसी को वन टाइम पहनना और वो है तो 800 रुपीज में इंक्लूडिंग GST, कोई दिक्कत नहीं है, सौदा माड़ा नहीं है। और 100 रुपए यदि इसमें कोरियर के ऐड होते हैं, यदि कोरियर से मंगवाते हैं 100 रुपए में भेज देंगे, कोई बात नहीं, 900 रुपए में इंक्लूडिंग कोरियर एंड GST भेज देंगे आपको पेमेंट पे, लेकिन ये सिर्फ पेमेंट पे जाएंगे, उसके अलावा नहीं जाएंगे। एक लहंगा और दिखा रहा हूँ, ये देखिए पूरे में काम स्टोन वर्क का, मैं ये नहीं कहूंगा ये बिल्कुल लेटेस्ट है, लेटेस्ट तो मैंने जैसे ये दिखाया, ये चीज है, ये भी मेरे पास सिंगल पीस बच रहा है, तो बस ये खत्म करने वाले वो हैं, पूरा भरा हुआ हैवी डिजाइन। इस पे लाइटिंग ये यहाँ से लाइट ऑन करिए जरा, ₹1500 1500, ये इसका ब्लाउज हो गया, गोल्डन ब्लाउज है, तो ये जहाँ चलते हैं, जब चलते हैं बहुत अच्छे चल रहे होते हैं, जब नहीं चल रहे होते तो फिर अपनी सारी आइटम ऐसी लग रही होती है, उन्होंने कहा हाँ भाई पूछो नहीं। लेटेस्ट में क्या चल रहा है, लेटेस्ट में इस तरह की चीज चल रही है, मैं ये भी देखो ये चीज लेटेस्ट में चल रही है, रेशम के साथ में, ये लेटेस्ट में चल रहा है। आप कहेंगे खाली पुरानी चीज नहीं, ये मैं नई चीज भी आपको दिखाता जा रहा हूँ साथ में, ये लेटेस्ट में चल रहा है, बिक रहा है, इसकी डिमांड है। अब जो भी नई चीज आती है तो थोड़ी सी वो तो कॉस्टली होती है, हमेशा नई चीज कॉस्टली होती है, पुराना डिजाइन क्या होता है हम करके बेचना पड़ता है, ये सभी के साथ होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर कैसे काम करना है, क्या करना है, कैसे आप कोई सलाह दो, कोई पुरानी आइटम्स जो उस पर भी बचती है, जो भी एक एक दो दो पीस बच रहे हैं उसको हाथों हाथ खत्म करते चलो, इस पर टैग क्यों नहीं दिया, सॉरी मैंने देखा नहीं। ये नया डिजाइन आया 2800 रुपए, 2800 रुपीज का ये पीस है, पूरे में बॉटम पे भी काम है, और ये ब्लाउज देखिए इसका ब्लाउज हो गया, फ्रंट बैक और स्लीव्स, ये नया डिजाइन 2800 रुपीज। ये इसमें दो, ये दो कलर आए हैं, तीन, तीसरा अच्छा ग्रे भी रहा, ये देखिए ये सब नए डिजाइन जो आए हैं, फ्लेयर भी बहुत अच्छे है रेशम के संग नेट के ऊपर, सब नए डिजाइन 2800 रुपीज 2800 रुपए। जब वो चल रहे थे जो मैंने आपको दिखाए, जो कम रेट में बोल रहा हूँ, वो भी किसी टाइम में बहुत अच्छे नए डिजाइन थे, दिख रहे थे बहुत क्वांटिटी। खोलो खोलो आप खोलो इसे, थैंक यू कृष्णा जी। ये एक दो कस्टमर आपसे लड़ाई कर रहे हैं, नॉट टू बी लुकिंग गुड, आप
फिर मैं क्या बोलूं। देखिए आप आ जाइए पहले, ये देखिए अभी ये रेडीमेड सर्विस में ही मैंने ये डिजाइन बनाया है। इसमें हमने ये डिब्बी स्टाइल में बनाया और ये पूरा का पूरा एप्लिक फ्लावर्स बना के पूरा सीक्वेंस के संग और ये जर्कन के साथ बनाया है, सारा का सारा जर्कन के साथ ये किया। तो डिजाइन तो अपने हिसाब से बहुत अच्छा बनाया है ये। और पीस कैसा लगा अब मुझे बताइएगा जरूर। ये नया पीस है, नया डिजाइन बनाया है। यदि आप इसको पास करते हैं, मेरे होलसेलर्स पे भेज दिया है, उसको आगे कंटिन्यू करूंगा। नहीं आपको पता ही, हमेशा ऐसे ही करता हूँ। डिजाइन बनाते हैं हम, रोज नए डिजाइन बनाते हैं, तो उसके संग कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कैसे बनाना है, क्या करना है, किसी के संग कौन सा ब्लाउज फिट होगा, कौन सी साड़ी होगी, कौन सी मैचिंग जा रही है, उस हिसाब से बनाते रहते हैं। जितने होलसेलर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, उनको सबको व्हाट्सएप भेजते हैं होलसेलर्स को। इसलिए मैं कहता हूँ अपनी शॉप का विजिट कार्ड जरूर भेजिए, उनको भेजते हैं, उनसे बात करते हैं, समझते हैं। होलसेल में वो जो जो पास कर देते हैं उसके फिर बल्क में बनते हैं। यदि वो पास नहीं करते तो वो जैसे 24 पीस का अड्डा बना, 48 पीस का अड्डा बना, जो भी बना पहला अड्डा 24 पीस पे, वहीं पे स्टॉप। जब वो कंटिन्यू चलता उसका 48 पीस का जाता है, 96 पीस का जाता है, 240 पीस का जाता है, डिपेंड करता है डिजाइन कैसा फिट हो। ठीक है आप चेंज कर लीजिए, मैं एक दो दे और दिखा देता हूं। ये पहले ये देखा ना, अब ये देखिए मैंने जैसे एक ये पीस बनाया, इसके संग ये पल्ला लगा के ये पीस डिजाइन किया। ये देखिए ये पूरा एम्ब्रॉयडरी का पल्ला, ठीक है, और ये इस तरीके से। इसके संग हमने दिमाग लगाया, फिर हमें यही ब्लाउज समझ आया। इस ब्लाउज के संग में 995 रुपए इंक्लूडिंग GST, 995 रुपए इंक्लूडिंग GST। ये देखिए पीस कैसा लग रहा है बताइए। ये हमने नॉर्मल साड़ी में बनाया है, ये रेडीमेड साड़ी में नहीं बनाया है, क्योंकि कई कस्टमर हमसे कह रहे थे नॉर्मल में भी नो, तो ये हमने नॉर्मल साड़ी में बनाया है। देखिए तो नॉर्मल साड़ी का क्या फायदा होता है, दबाने में आ जाता है, इजीली दबाने में आ जाता है। अदरवाइज क्या होगा, आपको इसमें साइजिंग कराना, हाइट कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और मुझे एक वो बात नहीं, ये देखना एक दो सूट, एक दो वो दे दो पहले साड़ी, चलो साड़ी भी दिखा दो, जैसे वो कोई सी भी दिखा दीजिए। अब देखिए मैं एक दो साड़ी और दिखा रहा हूँ पहले, जो उसके सूट्स मैं इसके बाद दिखाऊंगा सूट्स आपको। ये देखिए जॉर्जेट के ऊपर पूरे में एम्ब्रॉयडरी हुई है, बॉर्डर डबल बॉर्डर यहाँ पे, और ये स्कर्ट में क्रीम के संग। जब ये ड्रेप करी जाती है साड़ी तो बहुत अच्छी होती है। मेरे पास सिंगल पीस बचा हुआ है 700 रुपीज इंक्लूडिंग GST, 700 रुपए केवल इंक्लूडिंग GST। और इसका ब्लाउज भी देखिए, ब्लाउज भी बहुत हैवी है, बहुत हैवी ब्लाउज, लेकिन सिंगल पीस बचा रहा। मैं भी कहां तक दिमाग लगाऊं, हमारे पास तो रोज कुछ ना कुछ आता रहता है, जाता रहता है। पहले वो ही दे देते, पहले वो सस्ते वाले दे दीजिए। अब ये देखिए जैसे ये प्रिंट का हो गया, पहले हम ये बनाते थे, बहुत बनाते थे, बहुत बल्क में बेचते थे। अब ये ठीक है, अब आगे प्रिंट पे बनाने का मन नहीं है हमारा, डिजाइन चेंज होते हैं। तो ये मैंने प्रिंट के ऊपर, और बढ़िया प्रिंट है जॉर्जेट के ऊपर पूरे में, और नीचे पूरे में बूटे बने हुए हैं। ये क्या रेट कर दिया, 350 रुपए, 350 रुपीज। लेकिन ब्लाउज का जो आपको वो गिफ्ट निकाला वो इस पे मत मांगिएगा, कम से कम उसमें 1000 रुपए का तो वो ऑर्डर देना पड़ेगा आपको। ये देखिए ये पीस बना है, इसमें हमने एम्ब्रॉयडरी ये डाल दी, उसमें स्टोन वर्क का भी साथ में काम कर दिया। बहुत फाइन क्वालिटी की जॉर्जेट है, ये देखिए बहुत महंगे महंगे पीस थे ये सारे के सारे। अब ये इसके प्राइस कर दिए, अभी एक पीस बच गया, क्या करें, 450 रुपीज, 450 रुपए, सिर्फ 450 रुपए। तो इस तरीके से वो डिपेंड करता है कि हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं नहीं कर रहे, छोड़ दीजिए भैया। अब ये डिजाइन हो गया पूरे में एम्ब्रॉयडरी, हैवी एम्ब्रॉयडरी, हैवी बॉर्डर, बहुत हैवी बॉर्डर। पहले पीस आपको खोल के दिखाऊंगा, फिर आपसे बात करूंगा। ये देखिए प्लेन साड़ी, बहुत प्यारा, और अंदर देखिए मेन तो ओफो। ये देखिए पूरे में ये बनाया था, ये फैब्रिक जो उस समय चल रहा था ब्लॉक प्रिंटिंग, ये बंद कर दिया लाइट भैया, यहाँ की भी लाइट बंद करिए।
और नीचे बॉर्डर, बहुत प्यारा पीस लग रहा था। और नेवी ब्लू के संग तो अल्टीमेट पीस था। और इसका ब्लाउज देखिए, ब्लाउज कितना हैवी, ये ब्लाउज। और ये इसकी स्लीव्स के लिए इस तरीके से ये भी दिया हुआ पूरा 1000 रुपीज आज की डेट में, ठीक है। सिंगल पीस बच रहा है इंक्लूडिंग जीएसटी बता रहा हूँ, अदरवाइज बहुत महंगे पीस थे ये सारे के सारे। क्या वो मंगाएंगे? एक ये देखिए सूट में, ये भी सिंगल पीस है, हैवी डिजाइन, बहुत हैवी नेट के ऊपर। और ये इसके स्लीव्स के लिए दोनों साइड इसके दे दीजिए नेट, ये पतला। ये इसके फूल के पता चलेगा, अभी इसको बंद कर देना फूल के। तो ये देखिए, ये तो इसका इनर का हो गया पूरा प्रिंटेड, ताकि ये इसमें गेटअप आए, ठीक है। बहुत अच्छा गेटअप आता है उसके बाद जब अंदर ये लगता है, और ये पीछे के लिए, बैक के लिए। और ये इसकी पजामी का, पजामी में भी नीचे पैंचों पे बना हुआ है काम नीचे, और दुपट्टे पे भी एम्ब्रॉयडरी। और ये आज की डेट में मैं आपको दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 900 रुपए, 900 रुपीज ओनली। और एक वो दो दो पीछे खींच ले। एक ये देखिए, ये जो नया डिजाइन बनाया है हमने, ये नया डिजाइन बनाया है टेपिंग के साथ में, पूरे में टेपिंग करी हुई है। और इसमें ये देखिए सीक्वेंस भी जो बने हुए हैं, सीक्वेंस के संग मैचिंग सीक्वेंस के संग पूरा बूटा बनाया हुआ है। और यहाँ पे ये अलग स्टाइल से बनाया है, देखिए जैसे पतरे लगाए हुए ना, ये शीशे की तरह लगते हैं। बिल्कुल कोशिश करिए डिफरेंट बनाने की, ये डिजाइन बनाया है। और ये पीस कैसा लगा, आप लोग कितने नंबर देंगे इस पीस को? इस तरीके से काफी डिजाइन बना रहा हूँ। मेरा मेन प्ले अब जो कर रहे हैं वो रेडीमेड साइज में कर रहे हैं, रेडीमेड साइज में बनाते हैं सबसे ज्यादा, या क्रॉप टॉप गाउन बना रही है। अब कल जो लोगों ने शरारे की ज्यादा डिमांड करी, शरारे बना लिए, गर्लिश लहंगे बहुत ज्यादा बना रहे हैं, और वेडिंग लहंगे, वेडिंग लहंगों का भी इसके बाद मैं आपको वेडिंग लहंगे दिखा रहा हूँ। पीस कैसा लगा आप मुझे बताइएगा जरूर, कमेंट करिए, ताकि मैं उस विषय में सोच सकूँ, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं बताएंगे मैं नए पीस डिजाइन नहीं कर सकता, नए पीस नहीं दिखा सकता। एक नीचे से भैया व्हाइट वाला क्रीम वाला सूट दे दीजिए, आप एक चेंज कर लीजिए। मैं यहाँ पे एक अब ये पहले वो दे दो वेडिंग लहंगे, पीस और नहीं पे। वो एक ये दे दो, एक वो व्हाइट पे ब्लू, और एक नीचे क्रीम वाला लास्ट। देखिए व्हाइट के ऊपर पूरा वो जो करते हैं ना, वो अलग करता हमारी जो खोला नहीं था पीस पे पहले से खोल के रखिए उसको, इस वाले पीस को देखिए पकड़ो, यहाँ पे ऐसे पकड़िए भी भैया, ये देखिए इस तरीके से पीस है पूरे में वर्क किया हुआ और फुल साइज पे बना हुआ। इसकी हाइट काफी महंगा पीस, लेकिन मैं आपको ये सिंगल जो है और इसके संग देखिए दुपट्टा, ये आपको 1100 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी दे रहा हूँ, 1100 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी सिंगल पीस है ये भी। और एक ये देखिए जॉर्जेट पे, और
ये जॉर्जेट भी बहुत फाइन क्वालिटी की, ये इसके लिए स्लीव्स का होगा। मैचिंग के यही, ये देखिए इसके पजामी का कपड़ा, ठीक है, और ये इसका दुपट्टा, और ये भी सिंगल पीस है, और ये सिंगल पीस में आपको जो दे रहा हूँ 800 रुपीज, 800 रुपए केवल, बस इसके बाद वो लहंगे उठा लीजिए। जो नए लहंगे हैं वेडिंग लहंगे वो दिखा रहा हूँ, लाइट जला दीजिएगा भैया वहां से, आप यहाँ से जला दो, बहुत बारीक काम। फ्लेयर देखिए, फ्लेयर कितनी अच्छी, नहीं फ्लेयर पहले तो ये देखिए, यहाँ से पूरे उसमें काम हैवी, आप वहां से देखिए क्लोजअप, पीस कैसा लगा आप ये जरूर बताइएगा। थैंक यू सरिता जी, थैंक यू वेरी मच। एक बार मैं पास में लाके क्लोजअप दूं क्या? ये देखिए क्लोजअप देख लीजिए, तो क्लोजअप से ही पता चलेगा पीस कैसा लग रहा है। ₹9,000 का ये पीस है, ₹9,000 का पीस, बहुत हैवी लुक आती है जब ये पहना जाता है रेड कलर में, जैसे कि उसको रेड कलर चाहिए तो रेड कलर में पीस, डबल किन के नीचे लगी है, और इसका दुपट्टा भी बहुत हैवी, ये देखिए पूरे में बूटे, और ये देखिए ब्लाउज फ्रंट बैक और स्लीव्स, हेल्दी से हेल्दी के लिए बन सकता है बहुत इजीली, और पूरे में पेस्टिंग किया हुआ माल है, ऐसा नहीं है पूरे में पेस्टिंग करी है। पेस्टिंग करने से क्या होता है, पीस खड़ा खड़ा आता है, गेटअप बहुत अच्छा आता है जब ब्लाउज स्टिच किया जाता है। दूसरे इसमें मैरून दिखा दीजिए, मैरून का गेटअप और अच्छा होता है। चॉइस अपनी अपनी होती है, किसी को मैरून पसंद है, किसी को रेड पसंद है, किसी को रानी पसंद है, कुछ वाइन पसंद करते हैं, सबकी चॉइस अलग अलग। मैंने कोशिश करके तीनों अलग अलग स्टाइल के लहंगे लेके आया हूँ, महंगे लहंगे। ये देखिए पहले तो आप पीस देखिए, पीस कैसा लग रहा है, जर्कन अपने आप अपनी शाइनिंग बता रही होगी। बॉर्डर बेल्ट देखिए, पूरे में ढंग से माल भरा हुआ है। देखिए फ्लेयर देखिए, हैवी पीस, हैवी लहंगा भरा हुआ। पीस पहनने के बाद लगना चाहिए कि महंगा पीस पहना हुआ है, ऐसा ना हो कि जो हमने पहना है उस पीस की उतनी ग्रेस नजर ना आए। पीस की ग्रेस नजर आनी चाहिए उस हिसाब से। ये देखिए मैं एक बार पास में लाके आपको क्लोजअप दे रहा हूँ। तो ये देखिए उठा लो थोड़ा सा, ये देखिए ठीक है आगे ना पूरे। इसमें जर्कन्स वगैरह जो लगी हुई है उस हिसाब से आपको दिखा रहा हूँ। और ये फ्लेयर देखिए, फ्लेयर कितनी अच्छी, जब पीस पहना जाता है ना तो उसके बाद पीस का गेटअप पता चलता है, ऐसे तो नहीं इसके ट्रिक होंगे। ₹9,500 का पीस है ये। लोग कहते हैं 9,500 रुपए में इतना हैवी पीस, ये देखिए कैसे आएगा। ब्लाउज देखिए, हैवी ब्लाउज, फ्रंट बैक और स्लीव सब कुछ हैवी, 9,500 रुपीज। इस तरह की से पीस यदि आप कोरियर से मंगवाते तो बहुत महंगा होता, कम से कम वेट करने के बाद पता चलेगा कि वेट कितना महंगे ही पड़ता है, 500-700 रुपए, 800 रुपए, आई डोंट नो। ये इसका जो होता मेन साइज भी होता, साइज यदि बड़ा होगा तो उसके हिसाब से पीस होता है। आ जाइए आप, आ जाइए पहले। एक ये डिजाइन और किया हुआ है पैडिंग के संग ने पूरे में, और छोटी फेल लगा दी हमने, पैडिंग है और शाइनिंग है इस पे। ये देखिए
ग्लिटर वाला फैब्रिक, इसके संग हमें ब्लाउज यही समझ आया क्योंकि तो इसके संग ब्लाउज सेट नहीं हो रहा था। फैब्रिक ले लिया, फैब्रिक के संग ये पीस काफी कुछ दिमाग लगाया, फिर नहीं बैठा तो हमने यही ब्लाउज लगा के इसके संग सेट किया। पीस कैसा लग रहा है आप मुझे बताइएगा जरूर, अपने कमेंट जरूर करिए ताकि हम उस हिसाब से सोचें कि हमें आगे किस तरीके से बनाने डिजाइन, उस हिसाब से डिजाइन बनाएंगे। ठीक है वो उठा लो, साइज दिखा देना, फोल्डर का फोल्डर साइज दिखा दो खोलने से पहले आपको। हाँ ये बता, मैं सही खोलने से पहले मैं ऐसी पैक करके दिखा देता हूँ, दैट इज द बेस्ट वे। ये देखिए कितना बड़ा साइज होता है कोरियर के लिए, कोरियर के लिए साइज बड़ा हो जाता है, फुल उसमें आता है। अब ऐसे भी देख लीजिए पीस, आपको पता चल जाएगा जर्कन का और उसका। अब मैं पीस खोल के दिखा रहा हूँ, बस इसके बाद स्टॉप करते हैं। ये देखिए फ्लेयर देखिए कितना अच्छा, हैंडवर्क का एक भी पीस नहीं निकला, एक दो डिजाइन हैंडवर्क का लेगा ऊपर से छोटो, अब हैंडवर्क ऊपर से डिजाइन देखिए तो हैवी वेडिंग के हिसाब से कुछ नहीं होता हैवी। मैम कह रही है कि हैवी है, मैंने कहा हैवी कुछ नहीं होता, एक बार समझिए जब बॉडी पे पूरी, अभी आप ऐसे उठा रहे हो तो हैवी है, जब बॉडी पे पूरे बैठ जाता है ना तो कोई हैवी नहीं होता। भैया ऊपर से ले लीजिए तो फिर बस ये दिखा दो पीस, ये पीस निकाल लो, इसके बाद रहने दीजिए तो रहने, क्योंकि कल कस्टमर्स ने कुछ उन्हें ये भी कहा था कि शोर काफी हो रहा है, तो मैं इसलिए पन्नी को स्टॉप कर रहा हूँ, एक ही पीस दिखा रहा हूँ, उसके कलर्स नहीं निकाल रहा दिखा रहा क्योंकि पहले से निकाल के नहीं रखे हुए, पहले से निकाल के रखे होते तो मैं दिखा देता। ये देखिए सब वेडिंग पर्पस से पूरा हैवी। ठीक है ये भी मेरे लगाने हैं, कोई बात नहीं मैं भी दिखा दे रहा हूँ। मुझे लगा आप लगा रहे हो इसे, बीच में झोला रहा है, बीच में से लट रहा है। ये देखिए अब इसमें वो देखिए इसके ब्लाउज कितना प्यारा है, कितना प्यारा ब्लाउज, और इस बीच में मैं आपको एक डिजाइन और दिखा रहा हूँ। ये देखिए जॉर्जेट के ऊपर ये डिजाइन, जिसके मैंने अभी माल बन के आया मैं, लेकिन आपको पन्नी से जॉर्जेट के ऊपर ये देखिए डिजाइन, पहले पास से आपको क्लोजअप दिखा रहा हूँ, इसका रंग नहीं दिखा रहा हूँ, रंग के लिए आप भैया को व्हाट्सअप कर दीजिएगा तो वहां से वो भैया दिखा देंगे, बस रहने तो कुछ नहीं दिखा रहे। बहुत हैवी डिजाइन, ये भी नया डिजाइन बन के आया और इसके कलर्स इसलिए नहीं निकाल रहा क्योंकि पन्नियों में से निकालेंगे ना, पहले से निकाल के नहीं रखा हुआ तो शोर होगा, कल कस्टमर्स कह रहे थे शोर होता है इसलिए नहीं दिखा रहा। बाकी तो देखिए सोशल मीडिया बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो गया आज की डेट में, वो काफी ज्ञान देता है। एक जो मैं कहानी बता रहा था कल ही पढ़ी थी मैंने सोशल मीडिया पे, ये देखिए स्टोरी, हनुमान जी जब लंका में गए, बहुत बढ़िया, मतलब हनुमान जी जब लंका में गए तो देखा सीता मैया को, रावण उसमें किसी बात पे क्रोध आ गया, वो उन्हें समझा रहा, वो नहीं मान रही होगी तो क्रोध आ गया, वो अपनी तलवार लेके सीता जी को मारने के लिए भागा निकला, कहा आज तो मैं मार दूंगा खत्म कर दूंगा। हनुमान जी वहां पे खड़े हुआ, कहता अच्छा, मतलब मन में सोच रहा, उसने देखा नहीं हनुमान जी को, अच्छा ये सोच रहा मैं कर दूंगा, मैं अच्छा मैं आ गया यहाँ पे, यदि मैं नहीं होता अस तो कर देता, कहता तू सोच ले, ये तो तलवार उठाई थी, का सब डरा ही रहा था, कहने आज तो मैं तुझे कर दूंगा। इतनी देर में मंदोदरी वहां पे आके उनका रावण का हाथ पकड़ लेती और उसे
से समझा बुझा के वापसी ले जाने लगे। अब हनुमान जी सोच रहे खातों ने घमंड के छुआ मैं था यहाँ थी, मैं नहीं होता तो अस्तो सीता मैया गई थी। ये तो यार भगवान की लीला, चूंकि ज्ञानी तो है ही, बहुत जबरदस्त ज्ञानी थे, सब कुछ उन्हें पता था, तो भगवान की लीला परंपरा होती है, मेरी कोई जरूरत ही नहीं थी, मैं खामा खा सोच चौधरी बन रहा था। उन्हें वहां पे लंका में त्रिजटा ने ये भी कहा था, कहने के मुझे रात को सपना आया, भगवान की माया देखो, भगवान की वो मतलब इसमें एक तो सबसे पहले चूंकि सब धर्मों के लोग देख रहे हैं, तो ये मत सोचिएगा कि मैं उसकी बात कह रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, ईश्वर कह लो, अल्लाह कह लो, जीसस कह लो, बौद्ध कह लो, जो वाहेगुरु कह लो, कुछ भी कह लो, मैं एक सिर्फ एक कहानी बता रहा हूँ आपको, स्टाइल बता रहा हूँ, वो सोचिएगा। तो ऊपर वाले की माया समझो, त्रिजटा ने कहा रात को मुझे सपने में आया था, क्योंकि हनुमान जी ने तो सोचा ही नहीं था कि एक वानर ने, एक बंदर ने पूरी लंका जला दी। उनको फौरन आइडिया आ गया, कहने हैं लंका जला दी, लेकिन जलाऊंगा कैसे, सोच ही रहे थे, वो सोच रहे थे मन में। रावण ने कहने बंदर को क्या प्रिय होता है, कहते उसको पूंछ बड़ी प्यारी होती है, बैठ गए थे ना पूंछ पे, उन्होंने सिंहासन बना के, कहने पूंछ प्यारी होती है ना, कहते पूंछ में कपड़ा बांध के आग लगा दो। अरे यार कोई आदमी आया है, दुश्मन का आदमी है, आप उसे मारोगे, पीटोगे, जेल में बंद करोगे, फांसी दोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे, आपने आग क्यों लगाई, बुद्धि वैसी कर दी थी उसकी, उन्होंने सोचा हुआ था ना कि लंका को जलाना है, तो बुद्धि वैसी कर दी उसने, पूंछ में कपड़ा बांध के ही आग लगा दी, उन्होंने लंका जला दी। उनको आइडिया कहां से आ गया, अब मान लो किसी की पूंछ में आग लग जाए, किसी के हाथ में आग लग जाए, तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले उसे बुझाने भागेगा, सब कुछ वो सोचेगा, लंका जला दी पूरी, सब कुछ उस तरीके से प्री प्लान था। तो हम ये दोनों चीजें आज मैंने फेसबुक पे पढ़ा, स्टोरी बात अच्छी लगी, कहानी अच्छी लगी, इसका मतलब क्या, हम लोग अपनी मैं में भागे जा रहे हैं, मैं ये, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, बहुत सारे लोग होते हैं ना अंदर का, बस यदि मैं नहीं हूं तो कैसे होगा, मेरे वजह से परिवार चल रहा है, मेरी वजह से मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, मतलब पत्नी जो भी है, सब लोगों में इस तरह का घमंड होता है, अड़ोस पड़ोस में होता है, दुकान पे आदमी को घमंड होता है, मालिक को घमंड होता है कि मेरी वजह से दुकान चल रही है, स्टाफ को घमंड होता है मेरी वजह से ये खा रहे हैं रोटी, सबको होता है, ये एक एग्जाम्पल दे दिया यहीं पे थे, इसलिए हर एक को घमंड होता है अपनी बातों पे, लेकिन घमंड क्या, वो ऊपर वाले की मर्जी है, जैसे वो चाहेगा, जैसे वो सोचेगा वैसे होगा, हमें सिर्फ अपना काम अपनी ईमानदारी से ढंग से वो ही करना है, तो बात बन जाएगी। अगली बार कोशिश करूंगा, यदि मुझे याद रहा तो मैं आपको एक और कहानी सुनाऊंगा, महाभारत में थी, कौन सी गीता, व्याद गीता, व्याद गीता के बारे में बताऊंगा, व्याद गीता की बात करते करते मुझे याद आ गया, बहुत बढ़िया स्टोरी थी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको वो जरूर बताऊंगा। बस इसी तरह प्यार देते रहिए, और मेरी आइटम्स कैसी लगी वो जरूर बताइएगा। धन्यवाद, आप सब लोगों का दिन शुभ हो।